इस तरीके से बांधना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नहीं बांधेंगे तो ये फौरन फट जाएंगे और सारे सीट आपके उड़ जाएंगे। ये थाइसोकोब्राइटी है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है हमारा ये। तो यह तो वो गिर जाएगा और अगर रुक भी गया तो वो जाके फिर मई जून में पकेगा, वो 7-8 महीने बाद पकता है। सेफ्टी कर दें, बांध दें ताकि आपके सीट जो है वो उड़े नहीं, और अगर ये उड़ जाएंगे तो आप हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल सेवन। एडेनियम का सीड पॉट लगभग 3 महीने में पक जाता है, और जब ये पक जाता है तो ये धारी बन जाती है यहाँ से काफ़ी गहरी, और यहीं से ये फट जाता है, और जब ये फट जाता है तो इसके सारे सीड इसमें से निकल कर और सब बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके दोनों साइड एक बालनुमा गुच्छा होता है, जैसे कि डमरू होता है उस तरीके का इसके दोनों साइड बालों का एक गुच्छा होता है, और वो बहुत ही हल्का होता है, इस वजह से वो सारा उड़ जाता है। तो इसलिए इसको सीड पॉट का जो है वो हम इसका पहले से ही इंतज़ाम कर देंगे ताकि ये इसके सीड इसमें से निकले नहीं। तो इसको ये धागा लीजिए आप एक, और धागा लेकर इसको इस तरीके से इस धागे के चारों साइड हल्के हल्के हाथों से ऐसे लपेट दीजिए, ये इस तरीके से बिल्कुल हल्के से, कसना नहीं इसको है। कस देंगे आप तो सीट जो सीट की क्वालिटी है वो फूलेगी नहीं, और वो वहीं के वहीं पतला रहेगा, सीट अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हल्के हाथों से इसको दोनों साइड दोनों पोर्ट सीट उसको फली को बांध दीजिए आप इस तरीके से, लपेट दें हल्के हाथों से, बिल्कुल टाइट ना करें इसको, क्योंकि अभी ये और बढ़ सकती है, और ये लगभग 3 महीने में पकती है। तो ये हमारी जो सीट आई थी ये मई के महीने में आई थी, शुरू के मई की शुरू तारीखों में आई थी ये, और अब ये इसी महीने में पक जाएगी। अब ये कब पकेगी तो उसका मैं ये इंतज़ाम कर रहा हूँ। अब ये कभी भी पक जाए और इसके सीड जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, ये फटके और इसी के अंदर सीड रहेंगे, और जब दिख जाए कि आप ये सीड हमारा पक गया है और फली फट गई है, सीड पॉट फट गया है, तो फौरन उसको कलेक्ट कर लें यहाँ से। अगर एक पके तो एक तोड़ लें, और दोनों पक जाएं तो दोनों तोड़ लीजिए। और ये ज़्यादातर जो फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जो सीड आती हैं वो 3 महीने में पक जाती हैं, और अगर जो अब सीड आएगी वो भी जाके सर्दियों के अनकरीब जाके वो पकेगी, और अगर
सर्दियों में सीट पोर्ट आएगा तो या तो वो गिर जाएगा, और अगर रुक भी गया तो वो जाके फिर मई जून में पकेगा, वो 7-8 महीने बाद पकता है। तो ये जो गर्मी का सीट पोर्ट है यही कामयाब है, क्योंकि फूल तो हर वक्त आते हैं, पूरे मार्च से शुरू हो जाते हैं फ्लावरिंग और नवंबर दिसंबर तक फूल खिलता है, तो सीट कभी भी बन सकता है। ये देखिए ये कलियां आई हुई हैं इसमें, ये बड्स आए हुए हैं और ये खिलेंगे बाय चांस खिलेंगे, क्योंकि बरसातों में ये इंटर जब पानी गिर जाता है तो ये जो हैं वो नहीं खिलते हैं और ये गल के गिर जाते हैं। ये देखिए इसमें भी हैं, ये देखिए इसमें भी हैं, काफ़ी आ रहे हैं ये देखिए। तो इस तरीके के जो इसमें फ्लावरिंग तो हमेशा होती रहती है, और जो हमारा सही टाइम है वो बरसात के बाद जब बारिशें रुकेंगी और जब वो जो फ्लावरिंग होगी उसमें जो सीड बनेगा वो जाके आपका मई जून में पकेगा, उसको बहुत टाइम लेता है। और जो मार्च अप्रैल के फ्लावर होते हैं या मई के, वो इस पीरियड में पक जाते हैं, क्योंकि इसको 3 महीने लगभग लगते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी फली तैयार हो जाए, और देखिए कि आप 3 महीने होने वाले हैं इसके, तो आप इस तरीके से इसको इसकी सेफ्टी कर दें, बांध दें, ताकि आपके सीड जो हैं वो उड़े नहीं, और अगर ये उड़ जाएंगे तो आप जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप सीड नहीं बो सकते। जो लोग बोते हैं उनको तो ये करना चाहिए, जो लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो अपने जैसा चाहें वैसा करें। कुछ लोग तो सीड पोर्ट ही तोड़ के फेंक देते हैं, तो उनको चाहिए नहीं होते हैं। हम तो सीड ग्रो करते रहते हैं, ये देखिए हमने सीड ग्रो किया था, ये पिछले साल का हमारा सीड है, कितना मोटा कॉटेज इसका हो गया। तो हम तो सीड जो हैं वो ग्रो कर लेते हैं, और लगभग 35-40 एडेनियम मैंने बोए थे, तो वो ये हमारे तैयार हैं लगभग। अब इनकी हम अगली साल फरवरी में इनकी हम ग्राफ्टिंग कर देंगे, यहाँ से ट्यून करके इनकी ग्राफ्ट कर देंगे। सब में नए नए कलर, और हर एडेनियम में अलग अलग कलर भी हमारे पास काफ़ी हैं, तो इस तरीके से मैं इसमें ग्राफ्टिंग कर दूँगा। अब हमें तो हर सीट चाहिए होते हैं, अब जब ये पक जाएगी, जो भी 15 दिन लगें 20 दिन लगें पकने के बाद में, मैं इसको कलेक्ट करके और इसके सीटों को ग्रो करूँगा। 8-10 दिन के अंदर ग्रो हो जाएंगे, और फिर मैं इसका आपको साथ इसके जो ग्रो करने का वीडियो बनाकर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना सीड पॉट को सेफ करें, और आपका कोई भी सीड ज़ाया नहीं जाएगा, सारे के सारे आप ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का तरीका मैं इसका, जब ये सीड पक जाएंगे तो मैं वीडियो बनाकर उसको ग्रो करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।